वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं महादेव साथ, मैं और मेरी हस्बैंड जा रहे हैं। तो आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे कि महादेव साल में क्या है क्या नहीं है, और वहाँ पर मंदिर का दर्शन करवाएंगे। चलिए इस ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। तो गाइस यहाँ पे सुबह के 5:30 बज रहे हैं, हम दोनों निकल चले रेलवे स्टेशन की ओर महादेव साल जाने के लिए। तो गाइस आज का दिन शुक्रवार है, और कहा जाता है सावन के महीने में एक शिवरात्रि पड़ता है, और इतने शुभ दिनों में हम लोग जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए महादेव साल। तो आप हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस हमारा ट्रेन आ गया, देखा है चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। तो गाइस हमारा गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन था, तो हमारा स्लीपर बुक था, पर 1 घंटा का रास्ता 1.5 घंटा का था, तो हम लोग बैठ के ही चले गए। मंदिर बेटा प्लीज। नॉटी मंकी, तू किसको फोन करेगा बेटा? फोन दे दे बेटा। टर्नल पास हो रहा है, देखने में बहुत मजा आता है टर्नल। तो गाइस टर्नल पास करते ही जंगल, पूरा जंगल दिख रहा था, और जंगल के अंदर ही महादेव का मंदिर। तो गाइस अफसोस की ये बात है कि महादेव साल में हमारा ट्रेन नहीं रोक कर गोइलकेरा में सिर्फ 2 मिनट्स के लिए रोका था, तो हम लोग वहाँ गोइलकेरा में उतर के ऑटो लेके हम लोग चल गए। नहीं तो हम लोग का इरादा था कि हम लोग चक्रधरपुर में उतरे, पर वहाँ पे स्टॉपेज मतलब पीछे ही रुक गया, तो हम लोग वहीं पे ही उतर गए। और गाइस महादेव साल में 2-2 स्टेशन है, कंफ्यूज हो जाएंगे सब कोई। हम लोग यहाँ पे रील्स बनाए और आगे वाले स्टेशन में, और गाइस दोनों स्टेशन के बीच में 2 किलोमीटर्स का डिफ्रेंस है। और गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं देवों के देव महादेव साल में। और गाइस उस दिन बहुत बारिश हो रहा था, और गाइस हम लोग मंदिर आते ही अपना प्रसाद वसाद लिए, उस दिन बारिश था तो आधा कैप्चर में मैं नहीं की वीडियो में। नहीं लोटा नहीं लाया। तो ये गाइस कहा जाता है कि ये झारखंड का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, और आज भी यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और ये भी माना जाता है कि ये शिवलिंग में बहुत दिव्य शक्ति है, और कहा जाता है कि शिवलिंग का दूसरा भाग 2 किलोमीटर यहाँ से रतनपुर के पहाड़ी पर ग्राम देवी मंदिर के पड़ोसी देवी के साथ में स्थित है। और बोला जाता है कि ये देवी ये मंदिर में बहुत शक्ति है। तो गाइस हम लोग आज महादेव साल आ गए। अब लग रहा है कि सावन आ गया।
करके करिए लाल सिंह बोलने चलाना है बाबा को और लाल सिंह नहीं जाना है जो इच्छा दीजिए और सिंदूर नहीं दीजिए। ये
ये वाला भोग लगा दीजिएगा, फूल भी दे दिए हैं अलग है ना। रक्षा सूत्र वाला पूछा ना इधर करते हैं, मिलते हैं एक अगले न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय।